शरीफ ब्रादरान साजिशों की बजाय इलेक्शन के मैदान में लड़े। नवाज शरीफ मुकदमात खुलने की वजह से बुखला गए। रहमान मलिक बरस पड़े, कहते हैं नैब ने रेफरेंस दायर किया, मजीद सबूत सामने लाएंगे। इमरान खान ने 1 लाख अफराद लेकर वजीरिस्तान जाएंगे। तौहीन अदालत की तरमीमी बिल को दूसरा एनआरओ करार दे दिया। कराची में अमन का ख्वाब अधूरा, फायरिंग से पुलिस अहलकार और सियासी कारकुन समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का लॉन्ग मार्च चमन पहुँच कर अख्तिताम पज़ीर। समील हक ने कहा है कि नेटो सप्लाई को हर सूरत रोका जाएगा। कराची में जमात इस्लामी की रैली, कल पेशावर में धरने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने ड्रोन हमले और कबायली इलाकों में ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा कर दिया। कबायलियों के मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम जिरगा बन गया। कराची में अवामी तहरीक का मोहब्बत जलसा, खवातीन का जोशो खरोश। अयाज तलेजो कहते हैं कि सबके लिए अमन का पैगाम लेकर कराची आए हैं। रमजान सर पर आन पहुंचा, खजूर नायाब, बेसन और आलू महंगे होने से पकोड़े बनना मुश्किल होगा। पेट्रोल 1.41 रुपया महंगा हो गया। सीएनजी की कीमत में भी इजाफे का इम्कान। असाम अल हक और फाहा के दरमियान अलहदगी मौमा बनकर रह गई। टेनिस स्टार के वालिद ने तलाक की तरदीद कर दी। फाहा कहती है टेनिस स्टार के वालिद का दावा दुरुस्त नहीं। लाहौर में बरसा पानी, बच्चा पार्टी ने खूब की कश्ती रानी। कराची पर बादल छाए, शहरी जाकर समुंदर में नहाए। पाकिस्तानी नजरात बरतानवी बॉक्सर आमन खान वर्ल्ड लाइट वेल्टर वेट चैंपियनशिप का टाइटल जीतने में फिर नाकाम। डेनी गार्सिया के साथ फाइट में गलतियों का एतराफ। लाहौर में नन्हे गोल्फर्स ने कमाल कर दिया, मगर माओं का खेल देखकर बच्चे भी हैरान रह गए।